लोग बोलते हैं ना कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, मैं नहीं मानता। क्यों? मीट मिस्टर तड़ानी। बहुत गुस्से में हूँ, मुझे आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। लोग बोलते हैं कि मैं पागल हो रहा हूँ, पर गुस्सा क्यों ना आए, ऐसी हर चीज़ है इस शहर में जो मुझे गुस्सा दिलाती है। जैसे कि ट्रैफिक, लाखों लोग एक पतली सी सड़क पर धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जब भी ऑटो में बैठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि कैसे कैसे इस रोड पे आ गया हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं, बताओ। हर जगह ठंडने ठंडने ठंडने। अब तो मेरे बगल में कोई गाना भी गाए तो वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मन करता है कि बस। कभी गुस्सा नहीं भी आ रहा हो तो लोग गुस्सा दिला देते हैं, अब कोई मुझे मारेगा तो मैं भी मारूंगा ना, मैं गांधी नहीं हूँ। एक दिन मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसको अपने पिंपल पे गुस्सा आता है। पिंपल पे गुस्सा, कभी सुना है ऐसा कुछ? गुस्सा आता है तो बोल दो पिंपल। पर मुझे और उस लड़की को कुछ बातों पर गुस्सा नहीं आता, जैसे रोड पर कचरा और गंदगी देखकर, दिन ब दिन बढ़ता पॉल्यूशन देखकर, कभी न खत्म होने वाली गरीबी देखकर, पॉपुलेशन देखकर। हमें करप्शन पे गुस्सा नहीं आता जब कोई किसी को कौन है बे? तड़ानी जी बड़े भले इंसान थे। एक रात उन्होंने गलती से मुझ पर थोड़ी सी बियर गिरा दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में पागल होकर मैंने उन्हें बालकनी से बाहर फेंक दिया। मुझे अभी भी उनके चीखने की और गिरने की आवाज याद है। मैंने थड़ानी को मार डाला। मैं अभी भी गुस्से में, बहुत गुस्से में, भगवान जाने क्यों।